हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ अंतिमा और आज करने वाली हूँ मैं आपसे शेयर बहुत ही छोटा सा एक वीडियो मिंत्रा का। एंड सबसे पहले आप सब होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। और मैं बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रही क्योंकि मैं काफ़ी बिजी चल रही थी और आज भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाला क्योंकि बहुत सारा स्टफ आ रखा है और बहुत सारा शॉपिंग के वीडियोज बनाने थे लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले जो मैंने मंगवाया है, जो मैंने शर्ट पहनी है, ये मिंत्रा से ही एक्चुअली है और प्योर 100% कॉटन की है। लिंक आपको सबके मिल जाएंगे लेकिन ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं आई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, 100% कॉटन इसलिए मैंने रख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मतलब इस तरीके से ये एक्चुअली है लेकिन ये मैं इस तरीके से मुझे पसंद नहीं है पहनना, इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर रखी है। थोड़ी लूज भी है जबकि साइज मैंने परफेक्टली मेरा मंगवाया है जो मैं मंगवाती हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लूज एक्चुअली है बट इट्स ओके। मुझे लगा कि कभी कभी मैं इसे पहन सकती हूँ वरना बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली लूज है और आप पहन सकते हैं लेकिन मैंने सोचा कि इट्स ओके। मैं मतलब अभी इसको सर्दी में जैकेट वगैरह के नीचे इसको पहन सकती हूँ इसलिए मैंने मंगाया। कलर नो डाउट बहुत अच्छा है, क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छा है पर जो स्टिचिंग आप कह सकते हैं वो परफेक्टली नहीं है। ब्रांड जो है मैं आपको मेंशन कर दूंगी नीचे तो आप वहाँ चेक कर लेना। वैसे शायद ये हीर एंड नाउ से है तो मैं उसने की ज़्यादा शर्ट पहनती हूँ, बहुत सारा स्टफ मंगाया तो आई एम कन्फ्यूज। सो इसी वजह से बस मुझे इसकी स्लीव्स पसंद नहीं आई, बहुत ज़्यादा है तो स्लीव्स तो इट्स ओके ऑप्शन होता है कि हम फोल्ड कर सकते हैं बट लूज बहुत ज़्यादा है। रिटर्न मैंने नहीं की, कोविड में मुझे पसंद नहीं आता कि रिटर्न करें एक्सचेंज करें। तो फर्स्ट प्रोडक्ट एक्चुअली। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो मैंने मंगाया है एक जैकेट, इस तरीके का विंटर के लिए पफ जैकेट जिसे बोलते हैं। एंड ये है मतलब इसका जो MRP है वो 2699 है लेकिन मैंने इसको मंगवाया है 1459 प्राइस में और अभी मिंत्रा पे विंटर सेल भी चल रहा था उसी में मैंने मंगाया है। और येलो कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आपने मेरा देखा होगा। अगर इंस्टा पे आप मुझे फॉलो नहीं करते मैं लिंक दे दूंगी वहाँ करना, मुझे येलो कलर बहुत पसंद है। फेस्टिवल पे मैंने काफ़ी येलो पहना तो इसके इस ये जो है ये मस्ट एंड हावर की तरफ से है और काफ़ी अच्छा है। जैसे कि वैसे मैं एल साइज क्लोथ्स पहनती हूँ मतलब सूट वगैरह लेकिन ये मैंने XL मंगवाया है क्योंकि जैकेट थोड़ा सा मतलब लूज होना चाहिए, जो 40 इंचेस में ही 40 है एक्चुअली। अंदर से इस तरीके का है और आप किसी भी ड्रेस वगैरह के साथ पहन सकते हैं और येलो बहुत ही सूदिंग सा कलर और मुझे लगता है कि आजकल काफ़ी इनमें भी है। तो ये मैंने ट्राई एंड उस पर मंगवाया था पर मुझे ट्राई एंड बाय पे और मुझे पसंद आया, मुझे यही लगा था कि साइज इशू ना हो तो इसी वजह से मैंने इसे मतलब किया है। तो इस तरीके का कुछ दिखता है, अपन ओपन करके भी आप पहन सकते हो और इसे इन करके भी पहन सकते हो मतलब फिट करके बंद करके भी इसे आप पहन सकते हो। तो सेकंड जो प्रोडक्ट है वो ये है, क्वालिटी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी और कलर भी बहुत ही अच्छा है और बहुत फिटिंग भी बहुत अच्छी है, एक परफेक्ट और परफेक्ट प्रोडक्ट ये है। तो सेकंड प्रोडक्ट जो है वो ये मैंने मंगवाया है। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो मैंने मंगवाया है मैक्स का वन पीस ड्रेस जो बहुत ही अच्छी है, कलर आप देख सकते हैं सिबोरी ड्रेस एक्चुअली ये है और प्राइस जो इसका है 1199 है पर मुझे ये 599 में मिली है। स्लीवलेस है इस तरीके की, बैक साइड पे इसके इस तरीके का इलास्टिक है। इसकी मैं पिक्स आपको कुछ अटैच कर दूंगी, वैसे मोस्टली मैं स्लीवलेस पहनती नहीं हूँ बट मैंने इसको जैकेट के साथ थीम किया काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको भी ट्राई करके दिखा दूंगी। तो इस तरीके का ये फुल ड्रेस है, ये मिडी ड्रेस है और इस तरीके का इसमें ये वर्क एक्चुअली हो रखा है और कलर नो डाउट बहुत ही प्यारा है और ये आजकल सिबोरी जो है वो काफ़ी इन में भी है। तो एक ये मैंने मंगवाया है, तो आप इसको किसी भी वाइट या फिर मतलब डेनिम के जैकेट के साथ थीम कर सकते हैं। अगर मेरी तरह आप स्लीवलेस नहीं पहनते तो मुझे मैं पहनती नहीं हूँ, अदरवाइज बहुत ही अच्छी पार्टी वेयर भी ड्रेस है, पहन सकते हैं या फिर आप वैकेशन पे जाते हैं तो पहन सकते हैं। क्वालिटी नो डाउट 100% कॉटन है, बहुत ही अच्छा है। आप इसमें अपना एक साइज कम भी जैसे मैंने M मंगवाया एक साइज कम भी मंगवा सकते हैं क्योंकि ये आपको जो बैक से है काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगी क्योंकि स्ट्रेचेबल है। तो बहुत ही अच्छी ये है थर्ड प्रोडक्ट, ये मैंने मंगवाया। तो ये था लास्ट प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, मिंत्रा से मैंने यही तीन प्रोडक्ट मंगाए हैं और तीनों की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छा है। शर्ट सिर्फ मुझे लूज है इसलिए मुझे थोड़ा सा इससे शिकायत है कि स्टिचिंग काफ़ी अच्छी नहीं है, अदरवाइज प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है मिंत्रा का। और काफ़ी टाइम बाद मैंने मिंत्रा से शॉपिंग की, वरना मीशो से ही ऑलमोस्ट फिलहाल मैंने शॉपिंग की थी। इसकी कुछ पिक्स मैं आपसे अटैच कर दूंगी एंड होप कि आपको बहुत पसंद आएंगी।
तो चलिए, ये था मिंत्रा हॉल एंड होप सो कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज अंतिमा एंड आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ